के वार ना रुक सके, कराची में एक और डॉक्टर जान बहक। फ्लाइट लेफ्टिनेंट डॉक्टर महनूर 8 माह की हामला थी, हामला होने के बायस वैक्सीन नहीं लगवाई थी। सूबे में वायरस से जान की बाजी हारने वाले डॉक्टर्स की तादाद 77 हो गई। मुल्क में वबा से मजीद 75 अफराद प्यारों से बिछड़ गए। कराची में 20 अमवात, शराब 15.6% रिकॉर्ड। मरियम नवाज कोरोना से सेहतयाब हो गई। लीगी नायब सदर के 29 अगस्त को कराची के जलसे में शिरकत का इम्कान। भारत और अजीत डोवल अफगानिस्तान में बुरी तरह नाकाम हो गए। 2013 में मोहंदी हिकमत झाड़ने की वीडियो सामने आ गई। अजीत डोवल ने कहा कि भारत ने मुसलसल आलमी ताकतों से ना सिर्फ झूठ बोला बल्कि उन्हें मिसगाइड किया। वक्त है मगरब और अफगान अब भारत से जवाब तलब करें। पाक फौज के 15-20 जर्नैलों में से किसी से भी पूछ लें, हर कोई एक बात करेगा। काबुल एयरपोर्ट के बाहर अफरा तफरी, 7 अफराद हलाक। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मौतल। तर्जुमान ने कहा कि आज भी काबुल के लिए कोई परवाज ऑपरेट नहीं होगी। पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान से हिज्ब इस्लामी के रहनुमा गुलबदीन हिकमतयार की मुलाकात। अफगान हुकूमत के हवाले से तबादला ख्याल किया। तालिबान ने अफगान क्रिकेट बोर्ड का कंट्रोल संभाल लिया। साबिक चेयरमैन अजीजुल्ला फजली सरबराह तैनात। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से 10 तराजी। आयशा अकरम ने 40 में से 3 अफराद को शनाख्त कर लिया। 2 मुलजिमान पर शक का इजहार। पुलिस ने गुज़िश्ता शब फैसलाबाद, कसूर और शेखुपुरा से मजीद 26 मुलजिमान को धर लिया था। गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 92 हो गई। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मजीद मुलजिमान की शनाख्त और गिरफ्तारियों के लिए छापे जारी हैं। मुलजिमान को निशाने इबरत बनाएंगे। सिंध में तालीमी इदारे की ताहुक्मसानी बंदिश, अंदरूने सिंध शदीद एहतजाज, फैसला मुस्तरद कर दिया। हैदराबाद प्रेस क्लब के बाहर तलबा की बड़ी तादाद मौजूद। सूबे के तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे खोलने का मुतालबा। लाड़काना में तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ रैलियां, खोलने का मुतालबा कर दिया। खून सफ़ेद हो गया, अपनों ने बेसहारा छोड़ दिया। लाहौर के 70 साला PhD डॉक्टर आमिर महमूद मुल्तान के शेल्टर होम में रहने पर मजबूर। बरतानिया से इंग्लिश में PhD करने वाले डॉक्टर आमिर का जायदाद के तनाजे पर बेटे और बीवी ने साथ छोड़ दिया। और नथिया गली के मारूफ होटल की इमारत जमीन बोस हो गई। इमारत नाकिस मटेरियल से बनाई गई थी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमारत जमीबोस होने से कुछ देर पहले ही मजदूर बाहर निकले थे।